So hello students, welcome back. So this lecture में we'll be taking the discussion of the remaining questions of quiz 1 जो कि मैंने आपको home assignment group में दे रखा था. Now quiz 1 में मैंने pick किए थे total मिला के 17 questions जिनमें से जो first से 10 questions थे उनको हमने quiz के रूप में in a limited time मैंने आपको दिए थे और आपने उनको attempt किया था parallelly along with me in the live session. Now, जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 11 से 17 जिन्हें मैंने होम असाइनमेंट के रूप में दे रखा था आपको उनको डिस्कस कर रहा हूँ मैं इस लेक्चर के अंदर. रिमेंबर व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट ये जितने भी क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं उनके अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो एक तरीके से आपको उस चैप्टर को रिवाइज करने में तो हेल्प करेंगे बट देयर विल बी सम क्वेश्चन जिनके अंदर आपको दिखेगा कि किस तरह से जेई मेन्स के अंदर क्वेश्चन को ट्रिकी बना दिया जाता है. तो यू शुड हैव अ वेरी डिसेंट प्रैक्टिस ऑन दीज क्वेश्चन एंड रिमेंबर द ट्रिक्स एंड द स्टेप्स जो कि हम कुछ क्वेश्चन के अंदर लगा रहे हैं जो कि ऑन अ ट्रिकियर पार्ट है. तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11. तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है आई हैव डिस्प्लेड इट ऑन द स्क्रीन. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 11. आप देखते हो ये क्वेश्चन वेक्टर्स का था एंड आई वुड रेट दिस क्वेश्चन टू बी अबव एवरेज. क्वेश्चन है ए एंड बी आर टू वेक्टर्स सच दैट मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1 मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 4 एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू 2 एंड इफ एक कंडीशन दे रखी है C इज इक्वल टू 2A क्रॉस B माइनस 3B वेक्टर देन फाइंड द एंगल बिटवीन B एंड C. तो ये जो क्वेश्चन है वेक्टर इक्वेशन का है. वेक्टर इक्वेशन के ऊपर हम लोग एक प्रॉपर लेक्चर ले चुके हैं विच इज इन द प्लेलिस्ट ऑफ वेक्टर्स. तो अगर आपको इस क्वेश्चन के दौरान जो हम स्टेप्स कर रहे हैं उनको समझने में परेशानी हो तो उस वेक्टर इक्वेशन वाले लेक्चर को जरूर देखिएगा. तो लेट अस स्टार्ट. तो आपको ये तो दिख गया होगा क्वेश्चन को पढ़ने पे कि देयर आर 3 वेक्टर्स दैट आर इन्वॉल्वड A B एंड C और फिर उनके बारे में कुछ आपको कंडीशंस दे रखी हैं. तो देख लेट अस सी व्हाट आर द कंडीशंस दैट आर देयर और जिन जिन कंडीशन से कुछ अगर इन्फ्रेंसेस ड्रॉ हो रहे होंगे तो उनको फटाफट निकाल भी लेंगे. तो सबसे पहली चीज आपको दिख रही है कि जो ए वेक्टर है मॉड ऑफ ए वो 4 दे रखा है. नहीं मॉड ऑफ ए आपको 1 दे रखा है. मॉड ऑफ बी आपको 4 दे रखा है और ए डॉट बी आपको 2 दे रखा है. अभी पहले यहीं तक देखते हैं. तो आपको ए और बी आउट ऑफ द 3 वेक्टर्स ए बी सी आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में ये 3 कंडीशन दे रखी हैं. आपको मालूम है 2 वेक्टर्स के बीच में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. उनका मैग्नीट्यूड दे रखा है उनके बीच का एंगल जो कि इनडायरेक्टली दे रखा है ए डॉट बी. तो पहले वो निकाल लेते हैं. तो यहाँ से एक बड़ा अच्छा इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं. ए डॉट बी आपको मालूम है क्या होता है. ए डॉट बी होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा. ये 2 होगा. लेट्स प्लग इन द वैल्यूज 1 × 4 * कॉस थीटा इज इक्वल टू 2. यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 आएगी. मतलब थीटा जो होगा विच इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वुड कम आउट टू बी 60 डिग्री. बड़ा इंपॉर्टेंट आउटकम था. यहाँ पे भी लिख देता हूँ. तो हमने क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर लिया ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल दिस इज हाउ आई एम डिपिक्टिंग इट वुड बी 60 डिग्री. ए और बी का जो बीच का एंगल दैट वुड बी 60 डिग्री. थोड़ा नीचे लिख देता हूँ. ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री. इज दैट क्लियर. नाउ ये चीज़ बड़ी ऑब्वियस थी. बहुत तेजी से इसे इन्फ्लुएंस कर लेना चाहिए था. नाउ लेट्स मूव टू द मेजर टास्क इन हैंड. अब देखो आपने को बी और सी के बीच का एंगल निकालना है. हमें बी और सी के बीच का एंगल निकालना है. अभी जो हमने एंगल निकाला वो ए और बी के बीच में. तो ए और बी के बारे में तो हमको सब कुछ पता है. उनका मैग्नीट्यूड पता है इंडिविजुअली उनके बीच का एंगल पता है. पर हमें बी और सी के बीच का एंगल निकालना है. और देखो सी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड तक नहीं दे रखा. बट देर इज अ कंडीशन देर इज अ इक्वेशन दैट इज गिवन जिसपे हम वर्कआउट करेंगे. और ये जो वर्कआउट हम करने वाले दैट इज समथिंग दैट यू शुड बी राइटिंग इन योर नोट्स. इसे आपको समझना चाहिए किस तरह से हम एक ही इक्वेशन दो दो बार इन्फ्रेंसेज ड्रॉ करेंगे. तो लेट अस सी व्हाट इज दैट कंडीशन. तो हमें एक एडिशनल कंडीशन दे रखी है. सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए क्रॉस बी माइनस 3B वेक्टर. इस पर वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं. इससे हमें सी वेक्टर के बारे में कुछ कुछ चीज़ें मिलेंगी जिससे बी डॉट सी या बी और सी के बीच का एंगल कैसे निकलेगा उसके बारे में हम इन्फ्लुएंस ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहली चीज़ ये 4 चीज़ें हमें पता है ना. देखते हैं कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे. तो सबसे पहले हमें ए और बी के बारे में सब कुछ पता है. ए और बी के बारे में सब कुछ पता है उनका मैग्नीट्यूड उनके बीच का एंगल. तो इस माइनस 3B को उधर ले आते हैं पहले. तो सी प्लस 3B इज इक्वल टू 2A क्रॉस बी आ जाएगा. ठीक है आपको साफ साफ दिख रहा है. ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आप बड़े आराम से निकाल सकते हो. मॉड ए पता है मॉड बी पता है और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम पता है. तो एक काम करते हैं इसमें वी टेक
मॉड ऑन बोथ साइड. तो अगर ये वेक्टर इस वेक्टर के बराबर है, इफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, तो इनके मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे. तो टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, सी प्लस थ्री बी का मॉड वुड बी इक्वल टू टू ए क्रॉस बी का मॉड. लेकिन अब ए क्रॉस बी का मॉड तो हमें बड़े आराम से मिल जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे. पर उससे पहले मॉड निकाल दें, टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन ऑफ व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी 60 डिग्री. यहाँ पे प्लग इन कर दीजिए आप वैल्यू, दिस वुड बी 2 इनटू मॉड ऑफ ए इज 1, मॉड ऑफ बी इज 4 इनटू रूट 3 बाय 2. 2 से 2 कटेगा, दिस वुड बी 4 रूट 3. तो हमारे पास फाइनली क्या आया, हमारे पास फाइनली आया मॉड ऑफ सी प्लस 3b, मॉड ऑफ सी प्लस 3b इज इक्वल टू 4 रूट 3. मॉड ऑफ सी प्लस 3b इज इक्वल टू 4 रूट 3. अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे. व्हेन यू डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मॉड ऑफ सी प्लस 3b का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 3, दिस इज व्हाट यू गेट. अब आप इसको एक्सपेंड करना जानते हो, मॉड ऑफ सी का होल स्क्वायर प्लस 9 मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस 6 बी डॉट सी इज इक्वल टू 16 इंटू 3, दिस इज व्हाट यू गेट. थोड़ा सा कैमरे को उस तरफ ले जाता हूँ, दैट द होल थिंग इज विजिबल. यस, तो दिस इज व्हाट यू गेट, दिस इज व्हाट यू गेट. अब यहाँ पर जो जो चीज़ें हमें पता उनको प्लगिंग करते हैं. मॉड ऑफ सी हमें नहीं पता क्योंकि सी वेक्टर के बारे में कुछ नहीं पता. तो सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस व्हाट इज दिस, दिस इज 9 इंटू व्हाट इज मॉड बी 4, 4 का स्क्वायर विच इज 16 प्लस प्लस 6 बी डॉट सी. अभी हमें बी डॉट सी भी नहीं पता, हमें बी डॉट सी भी नहीं पता है ना, इज इक्वल टू दिस इज व्हाट 16 इंटू 3. तो फाइनली अगर इसको उधर ले आऊँ, दिस वुड बी मॉड ऑफ सी का होल स्क्वायर प्लस 6 b डॉट c इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 16 कॉमन आ जाएगा, माइनस 16 इंटू 6 आ जाएगा, है ना. यू कैन ऑल राइट टिल हियर. इसको हम लोग अभी इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं. क्या यहां से हमें b और c के बीच का एंगल मिलते हुए नजर आ रहा है? मिल सकता था, क्योंकि b डॉट c में आप देख सकते हो मॉड b मॉड c cos ऑफ द एंगल बिटवीन b एंड c आएगा. बट द प्रॉब्लम इज हमें c वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं पता, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे प्लग इन करना होगा. तो अब हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा कि हम किसी तरह से सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें. तो आई जस्ट गिव यू अ फुल व्यू ऑफ दिस सॉल्यूशन दैट आई हैव डन सो फार. इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, अगर कहीं पे आपको नोट डाउन करने में टाइम चाहिए तो उसको पॉज कर लीजिएगा. याद करिएगा कि अगर आपको क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना है तो थोड़ी देर के क्वेश्चन को पॉज वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद अपनी तरफ से सोल्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा, एंड देन ट्राई टू फिगर आउट अगर आप वही करते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको. हाँ, इसी इक्वेशन पे, यही हमारी इक्वेशन थी, इसी पे हम और वर्कआउट करते हैं. अभी हम इसी इक्वेशन पे और वर्कआउट करते हैं, और हम किसी तरह से या तो बी डॉट सी निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर बी डॉट सी नहीं पता हमें, मॉड ऑफ सी भी नहीं पता हमें, तो कुछ ना कुछ मिल जाए हमको. ये ऑब्जेक्टिव से हम लोग वापस इसी इक्वेशन में वर्कआउट करते हैं, क्योंकि और तो कुछ दे नहीं रखा. तो हम क्या करते हैं, वापस से इसको b डॉट c निकालने की कोशिश करते हैं. अब b डॉट c निकालेंगे तो अपने दिमाग में सोचो, b डॉट c निकालने के लिए टेक डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड. अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा b वेक्टर से दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा b डॉट c, ये बन जाएगा a क्रॉस b डॉट b. a क्रॉस b डॉट b स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा, और a b b जीरो होता है तो ये आपको स्ट्राइक होना चाहिए, और ये बन जाएगा b डॉट b. b डॉट b जो होता है मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर होता है, जिसका मॉडुलस हमें पता है. तो हम क्या करेंगे, टेकिंग डॉट विद b ऑन बोथ साइड करते हैं. जैसे आप ये करोगे तो दिस वुड बी b डॉट c इज इक्वल टू 2 a क्रॉस b डॉट b माइनस 3 b डॉट b. नाउ दिस इज जीरो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दो वेक्टर सेम है, दिस इज जीरो. दिस इज b डॉट c इज इक्वल टू, दिस इज जीरो माइनस 3 b डॉट b इज मॉड b का होल स्क्वायर व्हिच इज माइनस 3 इंटू 16. This would be minus 3 into 16, which is minus 48. Nonetheless, ये जो b dot c की वैल्यू आई है, b dot c की वैल्यू, इसको लिखते हैं minus 3 into 16. I'll do the calculation later on the line, क्योंकि मुझे कई जगह 16 नजर आ रहा है. अब ये जो b dot c की वैल्यू है, इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं, इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं. लेट्स सब्सटीट्यूट इट हियर, है ना, ये b dot c की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं. आई एम इरेजिंग दिस पोर्शन हियर. जैसे मैं सब्सटीट्यूशन करूँगा देखते हैं क्या आएगा. जैसे आप यहाँ पे b dot c की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या आएगा, यू विल गेट मॉड c का होल स्क्वायर माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि भाई दिस इज 6 इंटू बी डॉट सी,
दिस विल माइनस सिक्स इंटू थ्री इंटू सिक्सटीन, माइनस यूज कर ले, दिस इज माइनस सिक्सटीन इंटू सिक्स, दिस इज मॉड सी का होल स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू थ्री वुड बी एटीन इंटू सिक्सटीन इज इक्वल टू माइनस सिक्स इंटू सिक्सटीन, मॉड ऑफ सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर से जाएगा, दिस वुड बी ट्वेल्व इंटू सिक्सटीन। प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ओह सॉरी आई गेस यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, प्लीज़ नोट इट डाउन, मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी होगी आपको, बहुत ही क्लियर फॉरवर्ड हम लोगों ने सोल्यूशन निकाला है इसका, है ना, आई गिव यू फुल टाइम, इसको आराम से आप लोग एक बार कॉपी कर लें, दिस इज समथिंग दैट इज वेरी ईजली डूएबल, इज दैट क्लियर। अब आगे देखते हैं, तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो मॉड ऑफ सी का होल स्क्वायर जो होगा वो 192 आ जाएगा, दिस वुड कम आउट टू बी 192, है ना, इसको इक्वेशन नंबर थ्री लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर थ्री लिख लेते हैं। तो अब हमारे को इस इक्वेशन में बी डॉट सी मिल गया, मॉड ऑफ सी का होल स्क्वायर मिल गया। अब एक काम करते हैं, जो बी डॉट सी की वैल्यू है उसे तो थोड़ी देर इग्नोर कर लेते हैं, या फिर इस बी डॉट सी के अंदर ही हम लोग मॉड ऑफ सी के एक्सप्रेशन को पुट करने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस नाउ पुट प्लग इन थ्री एंड टू, तो थ्री और टू को पिक करते हैं, आई एम इरेजिंग दिस नाउ। सो ये जो हमारा सेकेंड इक्वेशन आया था इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आपको ना मॉड ऑफ बी, बी डॉट सी क्या होता है, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ सी कॉस ऑफ बीटा, वेर वॉट इज बीटा, द एंगल दैट वी नीड टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन बी एंड सी, तो वॉट इज बी डॉट सी, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ सी कॉस बीटा, दिस वुड बी इक्वल टू माइनस थ्री इंटू सिक्सटीन, दिस वुड बी इक्वल टू माइनस थ्री इंटू सिक्सटीन। अब मॉड बी तो आपको पता है कितना है, फोर इंटू मॉड सी इस कितना, इट्स अंडर रूट ऑफ 192 इंटू कॉस ऑफ बीटा, वो बीटा वो एंगल जो हमें निकालना है, इक्वल टू माइनस थ्री इंटू सिक्सटीन। आई गेस अब आप तो समझ में आ गया होगा, यहाँ से इस एक्सप्रेशन से बड़े आराम से हमें बीटा मिल जाएगा, दैट इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी एंड दैट वाज द ऑब्जेक्टिव, और आप देखते हो देयर इज अ माइनस साइन दैट इज इन्वॉल्व, तो ऑब्वियसली जो एंगल आने वाला है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं आने वाला, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। सो आई एम इरेजिंग ऑल दिस, अब तो हम लोग फाइनल ऑब्जेक्टिव पहुंच चुके हैं, लेट्स सिंप्लीफाई एंड सी व्हाट वुड बी गेट, फोर से फोर कट जाएगा, देखो सारी कैलकुलेशन मैं एंड के लिए छोड़ देता हूँ, दिस वुड बी माइनस थ्री इंटू फोर, 192 हमें अभी मालूम है 12 इंटू 16 होता है विच इज 4 इंटू रूट 12, है ना, अंडर रूट ऑफ 12 इंटू 16, 16 का अंडर रूट वुड बी 4, 4 रूट 12 इंटू कॉस बीटा इज इक्वल टू माइनस 12, रूट 12 यहाँ पर रूट ले देगा, दिस इज कॉस बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3 इंटू 2, है ना, रूट 12 जो होता है तो 4 इंटू 3 रूट 3 इंटू 12 अपॉन 4 तो आएगा माइनस रूट 3 बाय 2, कॉस बीटा की वैल्यू माइनस रूट 3 बाय 2 आएगी। अब बताएं माइनस रूट 3 बाय 2 कब होगा, आपको मालूम है रूट 3 बाय 2 कब होता है, कॉस बीटा 30 डिग्री में, पाई बाय 6 से, तो पाई माइनस पाई बाय 6 करोगे तो आंसर जो होगा दैट वुड बी बीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 6, दैट वुड कम आउट टू बी सेकंड क्वार्टर में 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 वुड बी द आंसर एंड दैट इज द आंसर नंबर डी, द ऑप्शन नंबर डी। तो आपने देख रहा होगा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, इट वॉज अबव एवरेज, वेक्टर इक्वेशन के ऊपर बेस था, आपके पास एक ही कंडीशन दे रखी थी जिससे आप सी वेक्टर के बारे में इन्फ्रेंस निकाल सकते थे, बाकी जो कंडीशन थी वो ए और बी के बारे में थी, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, ए डॉट बी, ये स्टार्टिंग की तीन कंडीशन थी, ये तो ए और बी के बारे में थी, पर सी वेक्टर इज इक्वल टू 2a × b − 3b जो ये कंडीशन थी जिसको हमने कई तरीकों से वर्कआउट किया उससे हमने इन्फ्रेंस निकाला है, तो इट वॉज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, आई वुड रेट दिस क्वेश्चन एज अबव एवरेज, है ना, इसको करने में भी आपको टाइम लगेगा, इट वॉज कैलकुलेटिव इंटेंसिव, और बीच में हो सकता है कि यू स्वे अवे, आपको लगे कि पता नहीं इस तरीके से होगा कि नहीं होगा, पर कॉन्फिडेंटली अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते तो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते थे। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो अगला क्वेश्चन है वॉज दिस अगेन अ क्वेश्चन दैट वॉज देयर ऑन वेक्टर्स, पर ये वेक्टर्स की इनइक्वालिटी पे बेस्ड क्वेश्चन था, जैसा मैंने कहा इफ़ यू विश टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन आप लेक्चर को या इस वीडियो को यहाँ पॉज कर लीजिएगा और पॉज करने के बाद खुद एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन नंबर 12, सो ए कैप बी कैप सी कैप आर यूनिट वेक्टर्स, दिस इज ऑब्वियस, ए कैप बी कैप एंड सी कैप एंड यूनिट वेक्टर्स, देन मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस मॉड सी माइनस ए का हो स्क्वायर डज नॉट एक्सीड मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको। तो नंदलेस लेट्स ट्राई टू फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन दैट इज गिवन टू अस, ए कैप माइनस बी कैप के मॉड का स्क्वायर प्लस
यू हैव बी कैप माइनस सी कैप के मॉड का स्क्वायर प्लस सी कैप माइनस ए कैप के मॉड का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो इसका सिंप्लीफिकेशन आपको मालूम ही है, तो एक जनरल प्रॉपर्टी है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, ए कैप का स्क्वायर प्लस बी कैप का स्क्वायर माइनस टू ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप का स्क्वायर प्लस सी कैप का स्क्वायर माइनस टू बी कैप डॉट सी कैप एंड दिस वुड बी सी कैप का स्क्वायर प्लस ए कैप का स्क्वायर माइनस टू ए कैप डॉट सी कैप। चलेगा ना? अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बारे में आपको कमेंट करना है, तो हमें इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में कमेंट करना है, इसकी मैग्नीट्यूड को एम लिख लेते हैं, बोल देंगे इसको एम लिख लेते हैं, इस मैग्नीट्यूड के बारे में आपको कमेंट करना है कि इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू किससे एक्सीड, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में आपको कमेंट करना है इस क्वेश्चन। एनीवेज आपको मालूम है ए बी सी जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो ए कैप का स्क्वायर क्या होगा, मॉड ऑफ ए कैप का स्क्वायर विच इज वन, तो वन 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 और वन सिक्स टाइम्स आया, तो मैग्नीट्यूड होगी सिक्स माइनस टू, कॉमन निकाल लेता हूँ ए कैप है ना, कौन कौन सी टर्म्स बन जाएगी, ये और ये बन जाएगी, इनमें से माइनस टू कॉमन आ जाएगा, रूबी ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप डॉट सी कैप प्लस ए कैप डॉट सी कैप। तो हमने इस मैग्नीट्यूड को सिंप्लीफाई कर लिया एंड द सिंप्लीफिकेशन वाज जस्ट एक्सपेंडिंग द मॉडुलस का स्क्वायर दैट वाज गिवन हियर, दिस इज कम आउट टू बी सिक्स माइनस टू ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप डॉट सी कैप प्लस ए कैप डॉट सी कैप, है ना? यहाँ तक आप लोग सब लोग कॉपी कर लें, बहुत ही अच्छा स्टेप हुआ है, देर वॉज नथिंग जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, सिंपल जो बुकिश स्टेप्स हैं उन्हीं को किया हमने, इसको देखते ही आप सबसे पहला स्टेप यही करोगे, इसको एक्सपेंड करोगे। नाउ कम्स द मेजर टास्क, अब हमें इसके मैग्नीट्यूड के बारे में कमेंट करना है, ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी उसके बारे में आपको कमेंट करना है। अब जो मैं अगला स्टेप करने वाला हूँ वो बड़ा स्टैंडर्ड स्टेप है, वापस सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जो अगला मैं स्टेप करने वाला हूँ इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड स्टेप, जब भी आपको ए डॉट बी बी डॉट सी और ए डॉट सी की मैग्नीट्यूड के बारे में कमेंट करना हो, इफ यू हैव टू कमेंट ऑन द मैग्नीट्यूड इट्स यू कैन जस्ट राइट इट द स्टेप्स दैट आई एम अबाउट टू डू एज अ थ्योरी, यू कैन जस्ट राइट देम एज अ थ्योरी और देखिएगा क्या मैं करने वाला हूँ। आपको मालूम है ए प्लस बी ए बी सी यूनिट वेक्टर्स, ए प्लस बी प्लस सी ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप एक वेक्टर होगा, उस वेक्टर के बारे में हम एक चीज कह सकते हैं कि उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो पक्की बात है जीरो से बड़ा होगा, भाई ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप कोई वेक्टर होगा वो जीरो वेक्टर भी हो सकता है, पर जब उसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा ही होगा, तो दिस इज अ फैक्ट, क्या है ये, दिस इज अ फैक्ट, और जो मैं कह रहा हूँ एक बहुत ही स्टैंडर्ड स्टेप है, वेन एवर देर इज अ इनइक्वालिटी दैट इज इन्वॉल्व विच इन्वॉल्व्स थ्री वेक्टर्स लाइक दीज, तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर यू कैन डू एज अ स्टैंडर्ड स्टेप। तो आप मालूम है ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप एक वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो पक्का जीरो या जीरो से बड़ा होगा, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे यू विल गेट ए कैप प्लस बी कैप, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ उसका एक्सपेंशन आपको मालूम होगा स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी, ए कैप का स्क्वायर बी कैप का स्क्वायर सी कैप का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स यू गेट द एक्सप्रेशन जो कि यहाँ पर नीडेड है, ए कैप प्लस बी कैप बी कैप डॉट सी कैप ए कैप डॉट बी कैप डॉट सी कैप प्लस ए कैप डॉट सी कैप दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये चीज़ आपको मालूम है ए कैप का स्क्वायर मतलब मॉड ए कैप का स्क्वायर विच इज वन, वन प्लस वन प्लस वन दिस इज थ्री प्लस टू टाइम्स ए कैप डॉट बी कैप डॉट सी कैप प्लस ए कैप डॉट सी कैप दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ध्यान दीजिएगा कैसे इस इनइक्वालिटी से हम इस इनइक्वालिटी से इस एक्सप्रेशन के मैग्नीट्यूड के बारे में कमेंट करेंगे, तो इस थ्री को उधर ले आता हूँ, तो इस थ्री को उधर ले आऊंगा तो उसको भी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री, ठीक है ना, पर यहाँ पे माइनस साइन है तो आई मल्टीप्लाई बोथ साइड माइनस साइन, तो माइनस टू ए कैप डॉट बी कैप पता ही होगा माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी में रिवर्सल आ जाता है, तो इनइक्वालिटी वुड रिवर्स एंड दिस वुड बिकम थ्री, इनइक्वालिटी में रिवर्सल आ गया है, ये माइनस थ्री माइनस से मल्टीप्लाई करने पर थ्री हो गया और यहाँ माइनस साइन आ गया पर इनइक्वालिटी में रिवर्सल आ गया, पर सर यहाँ पे सिक्स भी है तो एडिंग सिक्स ऑन बोथ साइड, तो इफ यू एड सिक्स ऑन बोथ साइड द इनइक्वालिटी वुड मीन सिक्स माइनस दिस इज सिक्स। तो हमें ये क्या समझ में आ गया, ये जो एक्सप्रेशन ये तो यही एक्सप्रेशन जिसके मैग्नीट्यूड के बारे में हमें कमेंट करना है, तो जो मैग्नीट्यूड है दैट इज लेस देन इक्वल टू नाइन, थ्री प्लस सिक्स इज नाइन। अब वो पूछ रहा था डज नॉट एक्सीड, तो ऑब्वियसली बात है इसका मैग्नीट्यूड नाइन को एक्सीड नहीं कर सकता, नाइन के बराबर हो सकता है पर नाइन को एक्सीड नहीं कर सकता, हेंस द करेक्ट आंसर द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन वॉज बी।
अगेन अ वेरी नाइस क्वेश्चन, पर इसके अंदर जो ये वाला स्टेप है, दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी नोटिंग डाउन. आई गिव यू फुल व्यू ऑफ द क्वेश्चन. बहुत अच्छा क्वेश्चन था वेक्टर के ऊपर. लेट अस मूव टू द 13th क्वेश्चन. जो अगला क्वेश्चन है, आई डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन. दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, 3D का, बहुत ही ईजी. इनफैक्ट यू शुड रिमेंबर कि जेई मेन्स में ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन जो है वो टफ आने वाला है. यू हैव टू बी सिलेक्टिव. कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी आएंगे, दिस इज वन ऑफ देम. बड़ा ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. एवरी बुक, एवरी नोट्स, एवरी लेक्चर ऑफ 3D किसी से भी पढ़ो वुड इंक्लूड अ कंसेप्ट जो कि इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. तो जैसे मैंने कहा, पॉज कर सकते हो, एक बार फिर अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड देन यू कैन सी एग्जैक्टली व्हाट आर द स्टेप्स दैट आई एम अबाउट टू डू. हाँ, क्वेश्चन क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम 1, 2, 3 टू द लाइन. एक डायग्राम जरूर बना लिया करो ऐसे सिनेरियोज में. तो आप एक डायग्राम बना रहे हैं, दिस इज अ लाइन. इस लाइन की इक्वेशन आपको क्या दे रखी है, x-6/3 इज इक्वल टू y-7/2, y-7/2 इज इक्वल टू z-7/-2. तो ये आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है. और फिर आपको एक पॉइंट दे रखा है 1, 2, 3. आप बड़े आराम से 1, 2, 3 को इस लाइन में प्लग इन करोगे, पता चलेगा कि वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा. x को 1 डालोगे तो ये -5/3 आएगा, और y को 2 डालोगे तो ये -5/2 आएगा. तो इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग इट. तो इसका मतलब वो जो पॉइंट है 1, 2, 3, इसको अपन एक नाम देते हैं P पॉइंट. दिस इज समवेयर अपार्ट फ्रॉम द लाइन, इट्स नॉट ऑन द लाइन. तो मैं निकाला लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर. बहुत ही स्टैंडर्ड स्टेप है. परपेंडिकुलर ड्रॉ की ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा, आपको ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है. तो आपको याद होगा इस पॉइंट F को हम अज्यूम कर लेते हैं. ये जो पॉइंट F है वो किस पे लाई करता है, इस लाइन पे. तो हम इसको लैम्डा की टर्म्स में पैरामेट्रिक फॉर्म में अज्यूम करेंगे, इसको लैम्डा मान लेंगे. सिंस दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड F इज ऑन द लाइन, तो एक्स वाई जेड लैम्डा की टर्म्स में अज्यूम कर लेंगे. तो कितना आएगा, 3λ+6 है ना, 3λ+6. वाई क्या होगा, -2λ+7 एंड -2λ+7. तो बड़े आराम से आप देख सकते हो कि हम लोगों ने 7, यस, बड़े आराम से देख सकते हो कि हम लोगों ने लैम्डा के टर्म्स में इस पॉइंट एफ को अज्यूम कर लिया. अब पीएफ जो होगा, पीएफ वेक्टर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल. तो एफ पॉइंट ये रहा, पी पॉइंट ये रहा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी करोगे तो पीएफ वेक्टर के आपके पास डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे. देखते हैं, 3λ+6 -1 would be 3λ+5, 2λ+7 -2 would be 2λ+5, प्लस -2λ+7 -3 would be 2λ+ -2λ+4. तो इनफैक्ट ये जो पी एफ है इसके हमारे पास डी आर आ गए. यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, 3λ+5, 2λ+5, -2λ+4. ठीक है, देखो फायदा तो अभी होगा जब आप पैरेलली मेरे साथ सॉल्व करते जाओ, क्योंकि दीज आर वेरी स्टैंडर्ड स्टेप्स. क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि जेई मेन्स में बड़े डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए 3D के ऊपर. तो बस कैलकुलेटिव इंटेंसिव है, यू शुड नोट द एग्जैक्ट स्टेप्स टू बी डन. तो मेरे ये जो यहाँ पर मैंने लैम्डा के टर्म उसमें पी एफ के डायरेक्शन रेशियोज निकाले वहाँ पे लिख दिए. अब लैम्डा निकले तो कैसे निकले, तो आपको याद होगा कि जो लाइन है उसके डी आर हैं 3, 2, -2, 3, 2, -2, और पी एफ और इस लाइन के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री. तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0. सिंस डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, सो 3, 2, -2 जो कि 90 डिग्री है, डॉट पी एफ 3λ+5, 2λ+5, -2λ+4 के डी आर का प्रोडक्ट कितना होगा, 0, है ना. यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, 3 × 3λ+5 + 2 × 2λ+5 - 2 × -2λ+4. This would come out to be zero. तो मेरे ख्याल से सभी लोगों ने यहाँ तक किया होगा. दिस इज द एक्सप्रेशन दैट यू वुड हैव गॉट. इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पे लैम्डा की वैल्यू -1 आ जाएगी. तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बड़ा ईजी है. दिस इज 9λ + 4λ = 13λ, 13λ + 4λ = 17λ, है ना, प्लस 5 × 3 = 15, दिस इज 15 + 5 = 10, 10 = 25, 25 और यहाँ से -8, तो 25 - 8 वुड कम आउट टू बी अगेन 17 = 0. तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, वही जो हम -1 एक्सपेक्ट कर रहे थे.
जैसे ही लैम्डा की वैल्यू माइनस आएगी तो आप इस एफ के अंदर पुट कर दीजिएगा लैम्डा की वैल्यू माइनस वन, और आपके पास फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आएगा। माइनस वन डालेंगे तो क्या आएगा, दिस वुड कम आउट टू बी 3, 5 और 9 आ जाएगा, एंड दैट्स द आंसर 3, 5 और 9। अब वो पूछ क्या रहा था आपसे, वो पूछ रहा था कि आपको डिस्टेंस निकालनी है, आपको डिस्टेंस निकालनी है। ये तो आपने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल लिया, क्या आ गया हमारे पास 3, 5 और 9, यहाँ लिख रहा हूँ 3, 5 और 9 आ गया। 3, 5 and 9 इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। आई एम इरेजिंग दिस, और आपको रियलाइज हो चुका चाहिए कि कैसे हमने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाला इस लाइन के ऊपर। आई एम इरेजिंग ऑल द अननेसेसरी थिंग्स नाउ। अब हमें निकालना क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, दे वर आस्किंग नॉट टू फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बट दे वर आस्किंग अस टू फाइंड द डिस्टेंस। तो अब आपको दो पॉइंट्स पता है कि बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से, क्योंकि बीच का डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालो तो पी एफ की लेंथ कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ 3-1 2 का स्क्वायर, 5-2 3 का स्क्वायर, 9-3 6 का स्क्वायर, दिस वुड कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 4+9+36, दिस इज रूट ऑफ 49, दैट इज कम आउट टू बी 7 यूनिट्स। तो जो आंसर दैट वुड बी 7 यूनिट्स, दैट इज द डी ऑप्शन, दैट इज द डी ऑप्शन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, सो अगेन ये जो क्वेश्चन है दैट्स अ क्वेश्चन अगेन 3D का है, प्लेन के ऊपर बेस्ड है। सो द प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 3, 2, 0 एंड कंटेन्स द लाइन, एंड द लाइन मतलब इट कंटेन्स द लाइन, एंड वो एक लाइन की एक्सप्रेशन आपको दे रखी है। अगेन आई मीन रीएम्फसाइजिंग, अगर आपको क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना है तो लेक्चर के बाद पॉज कर लें और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और देखें कि आप जो करते हो जो फाइनली मैं कर रहा हूँ वो मैचअप करते हैं कि नहीं करते हैं। सो क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमें एक ऐसी प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ये डायग्राम बनाता हूँ, हमें ऐसी प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि कहाँ से पास करती है, इट पासेस थ्रू 3, 2, 0 है ना, और इसी प्लेन के ऊपर लाई करता है एक लाइन, है ना, एक लाइन लाई करती है, और उस लाइन की जो इक्वेशन है उसको अगर मैं आगे एक्सटेंड करूँ, इस लाइन की इक्वेशन x-3 upon 1 इज इक्वल टू y-6 upon 5 इज इक्वल टू z-4 upon 4, ठीक है ना। अब आपको इस लाइन को देखकर रियलाइज हो चुका होगा कि इस लाइन के DRs हैं 154, इस लाइन के DRs हैं 154, और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट लाई करता है 3, 6, 4, है ना, 3, 6, 4 इस लाइन के ऊपर लाई करता है, क्योंकि ये पॉइंट लाइन पे लाई करता है, वो प्लेन पे भी लाई करता होगा। तो एक तरह से आपको प्लेन के ऊपर दो पॉइंट्स पता चल गए, एक तरीके से आपको प्लेन के ऊपर दो पॉइंट्स पता चल गए। अब आपको मालूम है किसी देर आर स्टैंडर्ड सेट टू डू इट, उसको कंसेप्चुअल तरीके से दिखा देता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब होता है, इक्वेशन का मतलब होता है कि आप इस प्लेन के ऊपर एक रैंडम पॉइंट लो और एक ऐसी कंडीशन लिखो जो वो पॉइंट कहीं पे भी हो उस प्लेन पे वो उसको सेटिस्फाई करे। तो मैं इस प्लेन के ऊपर एक रैंडम सा पॉइंट लेता हूँ, आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एज पी, दैट रैंडम पॉइंट इज एक्स वाई जेड, इस पॉइंट को मैं ए नाम देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी नाम देता हूँ। ये जो पॉइंट पी है प्लेन पे है, तो अगर मैं ए पी वेक्टर निकालू, याद है ना, ए पी या और ए बी वैक्टर निकालो, तो आप बड़े आराम से देख सकते हो जो ए पी वैक्टर होगा, जो ए बी वैक्टर होगा, ए पी वैक्टर भी प्लेन पे है। अरे भाई ए और पी पॉइंट प्लेन पे ही, आई हैव टेकन अ रैंडम पॉइंट ऑफ द ऑन द प्लेन, पी पॉइंट इज रैंडम पॉइंट ऑन द प्लेन। तो जब मैं ए और पी को ज्वाइन करूंगा, है ना, आप देख सकते हो, सपोज आई हैव अ प्लेन लाइक दिस, सपोज मेरे पास ये प्लेन है, ये डायरी, इसके ऊपर एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है पी, तो अगर मैं ए पी को ज्वाइन करूंगा तो प्लेन पे होगा ना। उस तरह से ए और बी भी पॉइंट दोनों प्लेन पे हैं, तो उनको ज्वाइन करूंगा तो वो भी प्लेन पे होंगे। तो ए पी वेक्टर, ए बी वेक्टर और जो हमारे पास इस लाइन के डी आर हैं 1, 5 और 4, ये क्या है, को प्लेनर, इनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, को प्लेनर होगी कि नहीं होगी। और को प्लेनरिटी कंडीशन पता है, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो हम यहाँ पे ए पी वेक्टर, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, ए पी वेक्टर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज x-3 y-2 z-0। अब वॉट वुड बी ए बी वैक्टर, 3-3 0 6-2 4 4-0 4,
और यहाँ आएगा 154, दिस शुड बी इक्वल टू 0। मुझे नहीं लगता इसको समझने में आपको कोई परेशानी होगी, है ना। इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड सेट, x माइनस 3, y माइनस 2, z माइनस 4, 044, है ना, 044 एंड देन यू हैव 1 1 154। आराम से लिख लें इसको यहाँ तक, 3 माइनस 3, 6 माइनस 2, 4 एंड देन 4 माइनस 0, है ना। इस अब डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड कर लीजिएगा, इस डिटरमिनेंट को आप एज इट इज के एज इट इज एक्सपेंड कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बहुत ही ईजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एक्सपेंड कर लेते हैं। ये कितना आएगा, 4 इंटू 4, 16 माइनस 20 माइनस 4, इट वुड लीड टू माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस, इसको जो माइनस आएगा 0 माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 4, प्लस 4 इंटू वाई माइनस 2 प्लस, दिस व्हाट, 0 0 माइनस 4, माइनस 4 इंटू जेड, माइनस 4 इंटू जेड, माइनस 4 जेड इज इक्वल टू 0, 4 कट जाएगा, माइनस एक्स माइनस 3 प्लस वाई माइनस 2 माइनस जेड इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये आएगा 3 प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, नहीं प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 3, प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। सो कुछ ऑप्शन में देखते हैं, एक्स पॉजिटिव के साथ है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थ्रोड माइनस से मल्टीप्लाई, एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज द आंसर। देखिए ऑप्शन दिख रहा है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यस। अगर इस माइनस 1 को उधर ले आओ तो इक्वल टू 1 हो जाएगा, देखो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए। बहुत ही डायरेक्ट, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चंस आपको बीच बीच में मिल ही जाएंगे मेंस के अंदर, सो दैट आपकी स्कोरिंग जो है वो बड़े आराम से बढ़ सकती है बाय पिकिंग अप दीज क्वेश्चन, बड़े डायरेक्ट और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नंदलेस आपको एक चीज़ रियलाइज़ की होगी, जो वेक्टर्स और 3D क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से कैलकुलेटिव इंटेंसिव हो सकते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको बड़े आराम से उनको करना चाहिए, है ना, कैलकुलेशन में एरर नहीं करनी चाहिए आपको। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 15। यू कैन सी दिस क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। अब जो अगले एक दो क्वेश्चन हैं वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड हैं, क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आई एम रेजिंग दिस क्वेश्चन, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इट स्टेट्स, लेट्स सी क्या कहता है, 3 इंटीजर्स आर चोजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 20 इंटीजर्स। तो पहले 20 इंटीजर्स, वैसे इसको मेंशन करना चाहिए था, पहले 20 इंटीजर्स होंगे 1 2 3 4 अप टिल 20, सो 1 से लेकर 20 के बीच में 3 इंटीजर चोजन एट रैंडम, आपने 3 इंटीजर्स को चूज किया है, देन यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज इवन। तो मान लीजिए आपने सिलेक्ट किया x को, y को और z को, और आप चाहते हो कि इनका जो प्रोडक्ट है वो इवन हो, तो व्हाट इज द मेन एक्शन दैट इज हैपनिंग, कि आउट ऑफ दिस 20 यू आर सिलेक्टिंग 3 एट रैंडम। तो मान लीजिए ये 20 नंबर्स किसी बॉक्स के अंदर भरे हुए हैं, तो आपने एक साथ हाथ डाले और 3 नंबर्स पिक किए हैं, तो आपको सबको रियलाइज हो चुका होगा कि जो सैंपल स्पेस होगा बाय डिफॉल्ट 20C3 होगा, 20C3 होगा। अब हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि वो जो 3 नंबर्स आपने पिक किए हैं एक्स वाई जेड, उनका प्रोडक्ट इवन होगा। अब यहाँ पर आपके नंबर्स की नॉलेज का यूज होगा, आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट इवन कब आता है। सोचें अगर ये तीनों ऑड होंगे तो प्रोडक्ट ऑड आएगा, पर अगर इनमें से कोई भी एक इवन हो जाए, अगर एक्स वाई जेड में से कोई भी एक भी इवन हो जाए, तो आपको होना चाहिए इवन इंटू ऑड। मान लो इवन मान लेते 2 ले लेते हैं, तो 2 इंटू 3 6 होता है, 2 इंटू 7 14 होता है, तो मतलब इवन इंटू ऑड। गलती से भी इन तीनों में से कोई भी एक इवन हो जाए, एटलीस्ट वन आउट ऑफ द 3 पिक्स शुड बी इवन। अगर एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी इवन, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट है, आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है, द प्रोडक्ट इज इवन। तो आपको मालूम होना चाहिए प्रोडक्ट इवन होने का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट वन सिलेक्शन इज इवन। तो आपने 3 लोगों का सिलेक्शन किया, एक्स वाई जेड मान लिया हमने, उनमें से कम से कम एक इवन होना चाहिए, कोई एक भी इवन होगा तो प्रोडक्ट इवन होगा। और आपको मालूम है एटलीस्ट वर्ड देखते ही आपको याद आना चाहिए क्योरी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इवन, याद आया कि नहीं आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। एटलीस्ट 1 में हम लोग 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी जो कि 1 होती है उसमें से मैं इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूँ कि कोई भी इवन नहीं होगा, तो कम से कम एक तो इवन होगा।
अब बताओ नो इवन मतलब सारे के सारे क्या होने चाहिए, ऑड। बताओ वन से लेकर 20 के बीच ऑड कितने होते हैं, 10, तो 10 में सिलेक्शन होना चाहिए, तो 1 माइनस 10 ऑड में से 3 का सिलेक्शन हो अपॉन 20 सी 3, दिस वुड बी योर आंसर। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, अब तो कैलकुलेशन इन्वॉल्व है पर बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बड़ा आराम से आप देख सकते हो कि क्वेश्चन जो है बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो मैं यहीं पर कर देता हूँ, 1 माइनस 10 C3 क्या होगा, 10 × 9 × 8 है ना, और 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल बाद में कट जाएगा, 20 × 19 × 18 इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस वुड बी 2, इसको सिंप्लीफाई करोगे दिस इज 4, इसको सिंप्लीफाई करोगे दिस इज 9, इसको 9 से काटोगे दिस इज 2/9, तो दिस वुड बी 1 − 2/9 सॉल्व करने पर 19, तो दिस वुड कम आउट टू बी 17/19, the answer would come out to be 17/19 which is the C option। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बस आपको स्ट्राइक करना चाहिए था कि अगर तीन लोगों का प्रोडक्ट इवन है तो उनमें से कम एक इवन होना चाहिए, उसके लिए हम वन में से माइनस कर देते हैं वो सारे सिनेरियोज जहाँ पे ऑड है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो भी प्रोबेबिलिटी पे ही बेस्ड है, थोड़ा सा ट्रिकी था इन इट्स वर्ड पर बड़ा डायरेक्ट था ये भी। प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन आर टू टॉपिक्स जिनको अगर आपने बहुत इस तरह प्रैक्टिस कर रखा है और आपने बहुत सारे एक डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन देख रखे हैं तो यू वुड सी कि जेई मेंस का जो लेवल है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दैट लेवल इटसेल्फ, उसी लेवल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन कहता है इफ पी इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एज्ड एक्स विल डाई इन अ ईयर, तो P is the probability that a man aged X, X को हम 60 years मान लेते हैं, तो कोई आदमी 60 साल की उम्र में मर जाएगा किसी साल में, वो साल हम मान लेते हैं अपना 2020 है ना, सबसे happening year, तो 2020 के अंदर कोई इंसान 60 years का जो हो वो मर जाएगा, उसकी probability है P, है ना। इस तरह से आप पढ़ें X को अपन थोड़ी देख लिए, X को अपन थोड़ी देख लिए 60 years मान लेते हैं, तो if P is the probability that a man aged X will die in a year, तो हमने क्या मान लिया, लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एज्ड 60 विल डाई इन 2020 इज पी, ठीक है ना। सो प्रोबेबिलिटी क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एज्ड एक्स विल डाई दिस ईयर वुड बी पी, नहीं मरेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - p, ठीक है। तो द पी इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एज्ड एक्स विल डाई इन अ ईयर, देन प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ एन मैन, तो देयर आर टोटल ऑफ हाउ मेनी सच मैन, देर आर टोटल ऑफ एन सच मैन ईच एज एक्स, और उन एन मैंस को उन्होंने नंबरिंग दे रखी है A1, A2, A3 up to AN, है ना, ईच एज एक्स, सभी 60 साल के। A1 विल डाई इन एन ईयर, आपको प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की निकालनी, देन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ द एन मैन A1 जो कि सबसे पहला वाला आदमी है विल डाई इन एन ईयर, उस साल में वो मरे एंड इज द फर्स्ट वन टू डाई, मतलब A1 की डेथ तो हो ही हो 2020 के अंदर, बट ही इज द फर्स्ट वन इन दैट ईयर टू डाई। सो इट्स अ नाइस क्वेश्चन, आप इसके ऑप्शंस में से थोड़ा सा इंस्पिरेशन देखने की कोशिश कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे 1 - p बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो देखो सबसे पहली चीज क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एज एक्स विल डाई, तो बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन विल नॉट डाई, एज एक्स विल नॉट डाई, सबसे पहली बात इज 1 - p, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन का ज़्यादा है, सो प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एज एक्स विल नॉट डाई इन दिस ईयर वुड बी 1 - p, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो कि A1 की डेथ हो उस साल में, इज द फर्स्ट वन टू डाई, तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये चाहते हो कि उस साल में डेथ हो, कम से कम एक डेथ तो हुई। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में करेंगे, सबसे पहली बात तो जो 2020 है उसमें आप ये चाहते हो कि डेथ तो हो ही हो, तभी A1 की डेथ होगी सबसे पहले, सो यू वांट एटलीस्ट somebody टू डाई इन दैट ईयर। सो पहली कंडीशन तो ये है कि आप चाहते हो कि somebody शुड डाई इन दैट ईयर, एटलीस्ट 1% शुड डाई इन दैट ईयर, और फिर आप ये चाहते हो कि वो जो 1% जो जितने भी लोग डाई किए हैं उनमें से A1 इज द फर्स्ट वन टू डाई, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 विल डाई, तो आपको मालूम है एटलीस्ट 1 वाला सिनेरियो में मालूम 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ नन,
नो वन वुड डाई, नो वन वुड डाई मतलब कितने लोग हैं, वन माइनस पी की पावर है, ये तो बहुत ईजी है भाई, हर एक इंसान के मरने की प्रोबेबिलिटी हर एक इंसान की मरने की प्रोबेबिलिटी पी है, तो ना मरने की वन माइनस पी है, और ऐसे एन लोग हैं तो वन माइनस पी की पावर है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट समबडी एटलीस्ट वुड डाई इन दैट ईयर, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट समबडी एटलीस्ट वुड डाई इन दैट ईयर, एंड देन व्हाट डू यू वांट, कि भाई जितने लोग मरे उनमें ए वन इज द फर्स्ट वन, अब सोचो, सोचो ध्यान से, ध्यान देखिएगा, ध्यान देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है, ये इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कोई ना कोई तो मरा है उस साल, मान लेते हैं मरे हैं ए वन ए टू ए थ्री, मान लेते तीन लोग मरे, मतलब भाई ये सिनेरियो इसके अंदर इंक्लूडेड है, हाँ ये किस चीज़ का आंसर है, ये जो हमने निकाला एक्सप्रेशन किस चीज़ का आंसर है, ये कम से कम उस साल में कोई एक तो मरा ही है, अब मान लेते हैं ए वन ए टू ए थ्री मरा, तीन लोग मरे, मान लो अब आप क्या चाहते हो कि आपको सेकेंड या थर्ड कौन मरा इससे कोई मतलब है नहीं, आप चाहते हो कि जो पहला व्यक्ति उस साल में मरा हो, जो फर्स्ट वन उस साल में मरा हो, दैट शुड बी ए वन, तो मान लो ये दीज आर द पीपल हु हैव डाइड, यू वांट द फर्स्ट प्लेस टू बी फिल्ड बाय ए वन, तो बताओ किसी एक जगह को जिसमें एन लोगों के नाम आ सकते हैं, पहली जगह पहला इंसान जो उस साल में मरा है उस जगह पर कितने लोगों के नाम आ सकते हैं, एन, उसमें से ए वन का नाम है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वन बाय, अरे भाई एक जगह को भरने के एन एन तरीके, तो उसमें ए वन का नाम है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वन बाय, तो देखो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी वन बाय एन, कि जो मरा है उसमें पहली बार जो पहला व्यक्ति मरा वो है ए वन, वो है वन बाय एन इन टू की एटलीस्ट कोई एक ना एक मरा हो, तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन ओरिएंटेड, दिस वुड बी द आंसर, इसको आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो दिस वुड लीड टू योर सी ऑप्शन वन अपॉन, दिस वुड लीड टू योर सी ऑप्शन विच इज वन बाय एन, ना वो लिखा थोड़ा ट्रिकी तरीके से, वन बाय एन इंटू वन माइनस पी की पावर एन, तो दिस इज योर सी ऑप्शन, अगेन I would rate this question to be on a थोड़ा सा tougher side. इसमें दो parts involved थे, पहली part कि उस साल में कम से कम किसी ने किसी की death हुई हो, we have to make sure, तो उसकी priority ये है, and जितने भी लोग मरे हों उसमें पहली जगह पर ए वन का नाम आए तो उसकी priority वन बाय एन है, तो अगर आप option से inspiration लेते तो this question would have become very easy, independently solve करने की कोशिश करोगे तो it would become थोड़ा सा tedious. This is the solution of it, I am giving you the full view of it. Let us move to the 17th question, the last question. And the last question that was there on this discussion, again a question of probability, a very nice question, biased dice pe based question tha ye, a question that was based on biased dice, dekhte hain kya question, ek bar read kar liye question ko, again ek bar padhne ke baad aap chaho to lecture ko yahan pause kar sakte ho, and you can attempt the question. A loaded dice, टू लोडेड डाइसेस, लोडेड डाइस का मतलब क्या होता है, अनबायस्ड डाइस, सॉरी बायस्ड डाइस, जैसे हम बोलते हैं अनबायस्ड डाइस, तो अनबायस्ड डाइस मतलब उसके सारे जो फेसेस हैं उनके आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, यहाँ पे क्या बोल रहे हो, इफ टू लोडेड डाइसेस ईच हैव द प्रोबेबिलिटी दैट टू और फोर इज थ्री टाइम्स एज लाइकली टू अपियर एज वन टू थ्री फोर वन वन थ्री फाइव सिक्स, तो आपके पास एक डाइस है, ऐसे दो डाइस हैं, ये बायस्ड हैं, तो ऐसे दो डाइस हैं, ये बायस्ड हैं, बायस्ड क्यों है, देखो इनके ऊपर आउटकम्स क्या हो सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बायस तो वही है, पर वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट अगर ये अनबायस्ड होता, मान लो ये अनबायस्ड डाइस होता, तो वन की आने की प्रोबेबिलिटी वन बाय सिक्स, टू की आने की प्रोबेबिलिटी वन बाय सिक्स, थ्री की आने की प्रोबेबिलिटी वन बाय सिक्स, पर उसने बोला द प्रॉप ईच हैव द प्रॉपर्टी दैट टू और फोर इज थ्री टाइम्स एज लाइकली टू अपियर एज वन थ्री फाइव और सिक्स ऑन ईच रोड. अच्छा मतलब ये जो पहला स्टेटमेंट वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टू आना इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर आना is equal to 3 times probability of 1 आना is equal to 3 times probability of 3 आना is equal to 3 times probability of 5 आना is equal to 3 times probability of 6 आना, ये statement दे रखा है, वापस पढ़ लें, the property that 2 or 4 is 3 times as likely to appear as 1, 3, 5, 6. तो 1, 3, 5, 6 की प्रोबेबिलिटी तो सेम है, पर 2 और 4 की आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब 2 और 4 की तरफ ये थोड़ा ज़्यादा बायस्ड है, क्योंकि उनके आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो अपन एक काम कर सकते हैं, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 बी इक्वल टू एक्स, अपन एक्स मान लिया, ये पी मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कमिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कमिंग, 3 टाइम्स इट इज 3p, और आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, तो
तो इन सबके आने की जो प्रोबेबिलिटीज का सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वन, ये वन होना चाहिए। फ्रॉम हियर दिस वुड बी व्हाट, पी प्लस पी प्लस पी प्लस पी, फोर पी, फोर पी और सिक्स पी, टेन पी इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आएगी, 1/10। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। इसको प्लग इन करोगे तो ये आएगा p 4 टाइम्स तो 4p, और फिर 3p 2 टाइम्स 6p, तो 10p इज इक्वल टू 1/10। तो फाइनली हमारे पास आउटकम क्या आ गया, ये जो बायस्ड डाइस है दो हैं ऐसे, उनमें 1, 3, 5, 6 की आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/10 है, और 2 और 4 की आने की प्रोबेबिलिटी 3/10 है। तो दिस इज द कैलकुलेशन दैट यू शुड ऑल बी एबल टू अंडरस्टैंड। बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है, बायस्ड डाइस के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन अपने रेगुलर लेक्चर्स में कर चुके हैं। सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इनको रोल किया, इनको रोल किया आपने, अब क्या पूछ रहा है वो, व्हेन द टू डाइसेस आर रोल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 7, टोटल ऑफ 7 मतलब 7 आए, सम 7 आए, इज पी। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/p। अच्छा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन बना रखा है, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। वो तो स्टैंडर्ड स्टेप, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होता है, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व होता है तो आपको जो लास्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो स्टैंडर्ड है थ्रू आउट ऑल क्वेश्चंस। तो हमें बेसिकली किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सबसे पहले द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 7। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब आप इन दो डाइसेस को रोल करोगे, दोनों डाइस हैं एक जैसे, तो सम जो है वो 7 है। तो आपको मालूम होना चाहिए सम 7 आने के 6 तरीके हैं, वी हैव डिस्कस्ड इट, व्हाट आर दोस 6 वेज, 1/6 और 2/3 नहीं सॉरी 2/5 और 3/4 और 4/3 और 5/2 और 6/1, क्योंकि और है तो प्लस होगा। अच्छा, पहली डाइस पे 1 है, दूसरे डाइस पे 6 है, तो पहले डाइस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/10, और दूसरे डाइस पे 6 है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10। भाई पहले डाइस पे 1 है, दूसरे डाइस पे 6 है, तो पहले डाइस पे 1 है एंड दूसरे डाइस पे 6 है, दोनों मल्टीप्लाइड है, तो 1/10 × 1/10। तो जो ये होगा वो भी यही होगा, 1/10 × 1/10 सेम है, पहले डाइस पे 6, दूसरे डाइस पे 1, दोनों डाइस सेम है, तो 1/10 × 1/10। व्हाट इज पहले डाइस पे 2, पहले डाइस पे 2, 2 वाली इक्वलिटी 3/10, और दूसरे डाइस पे 5, 5 वाली इक्वलिटी 1/10। तो जो यहाँ है 2, 5 में वो यहाँ होगा, 1/10 × 3/10, इजी है। 3 और 4, 3 आने की प्रोबेबिलिटी, पहले डाइस पे 3 है 1/10 एंड दूसरे डाइस पे 4 है 3/10, एंड दिस वुड बी अगेन 3/10 × 1/10। मुझे लगता है इसमें कोई परेशानी होगी, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, एंड आई गेस दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी क्विकली। एंड दिस इज पी, एंड दिस इज पी, जरा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। दिस इज 1 + 3 = 4, 4 3 + 3 + 3 + 3 है ना, ये प्लस है यहाँ पे, ये तीन नीचे तो 100 आएगा, नीचे तो 100 आएगा ना आपका, तो दिस वुड कम आउट टू भी नीचे 100 है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो दिस वुड कम आउट टू भी नीचे 100, और ऊपर क्या आएगा 1, 3, 3, 3, 3 है ना, 4 × 12 = 12, और ये 14 आएगा। सो पी जो है वो 14/100 आएगा, जो कि 2/50 होगा। सो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसको मिटा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, और हमने सारा चीज़ें देख ली, ये बायस डाइस कैसी थी उन्हें इमेजिन कर लिया, और जो पी इस एक्सप्रेशन में दे रखा था वो हमने निकाल लिया, पी है 2/50, पी आ गया 2/50। अब आगे का स्टेप पढ़ते हैं, वो क्या पूछ रहा है। अब उसने इसे ऑप्शन ना देकर पी के बारे में एक कंडीशन दे रखी है, देन द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/p, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/p क्या होगा, दैट वुड बी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 50/2, ये तो होगा, सॉरी थोड़ा गड़बड़ की है, 14/7/50 आएगा, दिस इज 7, अरे वेट 2 से कैंसिल होगा ना, तो 7 और 50 बचेगा, 50/7, व्हाट इज 50/7, इट इज 7 point something, और 7 point something का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 7, देयरफॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 7, इट्स एन इंटीजर टाइप क्वेश्चन, ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये 2 नहीं आएगा, ये 7 आएगा ना, 14/100 सिंप्लीफाई करोगे 2 से कैंसिल आउट करोगे 7/50 आएगा, 50/7 ऑन रेसिप्रोकल व्हिच वुड बी 7 point something, 7 point something का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 7 होगा। क्वेश्चन को इस तरह पूछा गया था सो दैट इट बिकम्स ट्रिकी। सो दैट वाज द एंड ऑफ द 7 क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन जो वेक्टर जो 3D के थे दे वर वेरी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बट सम ऑफ द क्वेश्चन जो कि वेक्टर्स के थे स्पेसिफिकली, वो जो वेक्टर्स के क्वेश्चन थे वो थोड़े कैलकुलेटिव इंटेंसिव थे, द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस वर स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बायस्ड डाइसेस पे बेस्ड था जो कि थोड़ा कम दिखता है, बट नहीं तो नंदलेस द क्वेश्चंस इन्वॉल्व द लेवल दैट इज देयर इन योर आईटीजेई मेंस,
जो सब्सिक्वेंट लेक्चर्स होंगे, सब्सिक्वेंट क्विजेस होंगे, उसमें हम और एक्सपोजर लेंगे ऑन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। बट मेक श्योर कि जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं अपने क्विजेस में एंड दी डिस्कशन दैट वी डू आफ्टर द क्विजेस ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चंस, उनको अपने नोट्स में बहुत अच्छी तरह लिखेगा। एंड वंस यू हैव कॉपीड देम डाउन, मेक श्योर कि जिन जिन क्वेश्चंस में आपने कुछ नए कंसेप्ट को सीखा है उन्हें हाईलाइट कर लीजिएगा। एंड अगर आपको इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते समय कहीं भी ऐसा लगे कि यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद अ पर्टिकुलर थ्योरी, तो जो लेक्चर करस्पॉन्डिंग प्लेलिस्ट के अंदर है उनको देखें। सारी प्लेलिस्ट आपके सामने, आप चैनल पर ढूंढ सकते हो, उन प्लेलिस्ट पर जाएं, उन प्लेलिस्ट में जाकर उन कंसर्न टॉपिक्स को देखें और उन टॉपिक्स को कवर अप करें। सो आई मीन एंडिंग द लेक्चर हियर इटसेल्फ। वंस यू हैव कंप्लीटेड गोइंग थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, यू कैन राइट योर नेम इन द कमेंट सेक्शन। बाय फॉर नाउ, बाय टू ऑल ऑफ यू।